हेलो एवरीवन, कैसा हो? सो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका इस देश को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है अमेरिका ने किसको भी टेररिस्ट देश घोषित कर दिया है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपको, चार इनमें से आपको बताना है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा जो कि अमेरिका है ये। ठीक है, अगर मैप है रफली, ठीक है, तो यहाँ पे कैरिबियन सी पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पे क्यूबा नामक एक कंट्री है। ठीक है, जिसको सपोर्ट किसका है? इसको सपोर्ट है रशिया का। ठीक है, जो कि अमेरिका का दुश्मन है। ठीक है, तो इस वजह से अमेरिका ने और इसके कई राष्ट्रपति काफ़ी कोशिश कर चुके थे कि क्यूबा पे प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते कार्य कर दिया है। ठीक है, क्यूबा पे प्रतिबंध लगा दिया है, टेररिस्ट घोषित कर दिया है क्यूबा को। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके साथ में ही है यहाँ पे कैरिबियन सी, इसी में एक छोटा सा देश है क्यूबा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भगवान के नाम पर वस्तु बेचने के लिए विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं ना सुबह, तो टीवी में देखते हैं कभी कभी, ठीक है, जिसमें दिखा रहे होते हैं कि हनुमान जी का यह लॉकेट है, इसको खरीदो सारे आपके पाप मिट जाएंगे, ये तावीज़ है, इसको पहनने से आपके सारे संकट मिट जाएंगे, और ये अंगूठी है, राम की अंगूठी है, इससे ये हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी विज्ञापन आते हैं, ऐसे विज्ञापन सारे बंद करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, महाराष्ट्र हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये सब महाराष्ट्र सरकार बंद करे। ठीक है, 1 महीने का टाइम दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को कि ऐसे विज्ञापन नहीं आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है कौन सा टॉप पे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये दिखाता है कि जैसे कि कोई कंट्री होती है, ठीक है, तो उसने वीज़ा लगवाया, ठीक है, कई होते हैं कंट्री की वीज़ा पहले लगा के जाते हैं पास अपनी कंट्री से, लेकिन कई होते हैं कि वहाँ जाके तुरंत ही उनको वीज़ा लग जाता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स होता है हेनले इंडेक्स। इसमें नंबर वन पे कौन रहा है? जापान। ठीक है, जापान रहा है नंबर वन पे। ठीक है, और हमारा भारत रहा है इंडिया, इंडिया है 85 नंबर पे। हमारे भारत की रैंक भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो 85 नंबर पे है, और एक और रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसमें हमारा भारत 131 रैंक पे है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है नंबर वन पे? जापान है। इसके मतलब क्या होगा कि जापान की कोई भी सिटीज़न, ठीक है, जापान का अगर किसी कंट्री में जाता है, ठीक है, जान पहचान वाली कंट्री में, हालांकि पूरी कंट्री में नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे जाते उतरते उसको वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में भी है, लेकिन 85 नंबर पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना को 5 साल पूरे हुए हैं, इसे लॉन्च किया गया था। तो ये बीमा योजना थी प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो उसको भी 5 साल हो गए हैं पूरे। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया गया था ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ये 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए कार्यक्लब पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किए हैं पुरस्कार।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड घोषित किए गए हैं, कायाकल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो एमयू साइन किया गया है, टेक्निकल एंड साइंटिफिक टेक्निकल कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, तो कौन से देश के साथ में किया गया है साइन, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूए के साथ में साइन हुआ है एमयू, पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोफी डिवाइन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, इसके वर्ष 2020-21 के लिए कितना वित्त आवंटित किया गया है? ठीक है, तो इसका दोबारा से शुरू किया जा रहा है, इसमें कितना इन्वेस्ट किया गया है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस मंदिर में मकर विलुक उत्सव की शुरुआत हुई है? तो कौन से मंदिर में हुई है और कौन से राज्य में हुई है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबरीमाला टेम्पल, जो कि स्थित है केरल में, वहाँ पे ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान के 25वें संशोधन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है जो हाल ही में चर्चा में है? आपको इसका आंसर सही से पता होगा, अमेरिका में चल रहा है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अच्छे डाइविंग स्थलों में से एक ने हाल ही में रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, राष्ट्र का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्लायो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव रखी थी? ठीक है, तो जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये स्थित है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है, तो इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं म्यांमार, चाइना, जापान, इंडिया, इनमें से किसको कहा जाता है गोल्डन पैगोडा की भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति रखता है, ठीक है, तो कोई भी अगर कानून पारित होता है तो उसको कौन रोक सकता है उसको बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं द यूनियन कैबिनेट, द पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशन, तो सभी को इसका आंसर सही से पता होगा, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। कोई भी अगर कानून आता है जिसमें गलत कुछ लगता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भी किसान बिल है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ठीक है, उस पर स्टे लग गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है, रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो फोक डांस इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्या, तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बाकी कर्मा, भीरा, चरकुला, ये सब वहीं के हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में स्थित है, जिसका नाम क्या है अंकोर वाट, अंकोर वाट, ठीक है, एक हिंदू मंदिर है और काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो 162.6 हेक्टेयर में फैला हुआ ये हेक्टेयर में स्थित है, कि कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इनमें से बताना है कौन से हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन, मैक ओएस डैश द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, तो आपको बताना है ओएस, ठीक है, ओएस जैसे कि एंड्रॉयड होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है, वो ओएस है, वो किस में पाया जाता है और किसने इसको विकसित किया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ठीक है, एप्पल में ओएस होता है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रास बिहार बोस की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, रास बिहारी बोस।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जापान में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो राम, तो रास बिहारी बोस, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे, आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनकी मृत्यु हो गई थी जापान में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1945 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी? इनमें से बताना है किसने रिटायरमेंट ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन T20 खेल रहे हैं। शिखर धवन, केदार यादव, सुरेश रैना, कौन थे? आंसर सभी को पता होगा, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने, दोनों ने एक साथ ली थी रिटायरमेंट, ठीक है, लेकिन अभी भी T20 खेल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, ये UPSC के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप जोशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने किसान रेलवे हैं? तो इसमें ऑप्शन थोड़े गलत हैं, ठीक है, तो ये 100 और 200 में ऐसे आएंगे, ठीक है। तो हमारे देश में कितने थे अभी तक? अभी तक थे 99, ठीक है, किसान रेल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 100वीं किसान रेल चालू कर दी है, ठीक है, तो अभी करंट टाइम में कितने हैं? 100 हैं, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक भारत में टोटल किसान रेल कितने हैं? 100 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपको बताना है क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदल के रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, डी राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कौन से दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन, LPG सिलेंडर लीक होने पर गंध आती है, वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो गैस का नाम बताना है जिसके कारण गंध आती है सिलेंडर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सल्फर कंपाउंड के कारण गंध आती है। अगला क्वेश्चन, IP एड्रेस का अर्थ क्या होता है? तो IP एड्रेस का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है, मतलब इसका बताना है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक घनात्मक नेटवर्क लेबल है, ये न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल IP एड्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय संचार उपग्रह था, तो आपको बताना है कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट था भारत का पहला?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, एप्पल था, ठीक है, जो कि 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, फर्स्ट पूछी जाएगी तो आर्यभट्टा है, ठीक तो कम्युनिकेशन पहले ये थी, और इसको लॉन्च किया गया था बाय रिहाने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सूर्य को नापने के लिए या चेक करने के लिए कौन से उपकरण का यूज़ किया जाता है, अगर हम नॉर्मल देखें तो हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलीस्कोप सी। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज किसका बहुलक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज का है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की वकालत किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा। अगला क्वेश्चन, 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बने होते हैं, तो आपको बताना है 5 और 10 रुपए के सिक्के किस चीज से बने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कॉपर एंड अलॉय के। अगला क्वेश्चन, टूथपेस्ट में इस्तेमाल होने वाला अपघटक क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रेट एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, आईएफसी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछी गई है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिफाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, जिसका पहला जो पहले 4 डिजिट होते हैं वो बैंक के नाम के होते हैं, ठीक है, और जो बाकी के डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांच कोड होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना कब मनाया जाता है, तो इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया बताना है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बता दिया बी, ठीक है, और ये क्या है, एयर फोर्स डे है, ठीक है, वायुसेना, ठीक है, और आर्मी डे पूछी जाएगी, ठीक है, तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ख्याल रखें।